सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गेम प्ले चल रहा है किसी और का नहीं, मेरे खुद का गेम प्ले गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइलेंस एफएफ। सो भाई लोग, अगर आपके पास भी वीवो वाई 20 का डिवाइस है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आज का ये खास वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। और आज के इस खास वीडियो में बताने वाला हूँ, आपके पास जो वीवो वाई 20 वाला डिवाइस है उसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सेंसिटिविटी सेटिंग, क्या कस्टम एचयूडी एंड क्या डीपीआई सेटिंग रखना है, जिससे बिल्कुल आप हेड पे हेड मारो, बिल्कुल आप वन टैप गेम प्ले करोगे, आपका जो मूवमेंट स्पीड है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाने वाला है। और भाई लोग, अभी मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ ना, उस सेटिंग को अगर आप कर लेते हो तो आपका जो बुलेट है ना गाइस, हर एक बुलेट बंदे के सीधे हेड पे जाके कनेक्ट होगी। इस सेटिंग के बाद आपका जो गन रिकॉइल है गाइस, वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाने वाला है। मतलब कि गाइस, जब आप फायर करते हो तो बंदे की हेड के आसपास से गुजर जाती है लेकिन बंदे के हेड पे गोली नहीं लगती है, तो वो चीज भी काफी ज्यादा कम हो जाने वाला है। एंड आपका जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाने वाला है इस वीडियो के। प्लस में आपका जो मूवमेंट है ना गाइस, वो ना लाइक बवंडर हो जाने वाला है, बहुत ही खतरनाक हो जाने वाला है इस वाले सेटिंग के बाद आपका जो मूवमेंट है। तो भाई लोग, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो का एक छोटे-छोटे क्लिप भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पे मैं जो सेटिंग करने वाला हूं बस वही सेटिंग आपको करना, अपने से ज्यादा या कम नहीं करना। अपने से ज्यादा या कम करोगे तो गाइस सेम सेटिंग वो वर्क नहीं करेगा जो मैं बताऊंगा। तो यार, यहां पे मैं जो सेटिंग करने वाला हूं बस वही सेटिंग को आपको अप्लाई करना और वीडियो को केयरफुली वॉच करना, ताकि वीडियो का एक छोटे-छोटे क्लिप भी आप अच्छे से समझ सको। तो आप यहां पे ज्यादा देरी नहीं करेंगे और अपना फोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देते हैं गाइस। इस वाले फोन का जो प्रोसेसर है गाइस, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460। इस वाले प्रोसेसर को हम लोग ठीक ठाक प्रोसेसर बोल सकते हैं गाइस। इस वाले प्रोसेसर में हम लोग गेमिंग तो कर सकते हैं बट इतना हार्ड गेमिंग नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ, उस सेटिंग को कर लेने के बाद आपका जो प्रोसेसर है गाइस, वो स्नैपड्रैगन 720 और 730 को सीधे सीधी टक्कर देने वाला है। इस बात को आप सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हो कि अभी आपका जो फोन में परफॉर्मेंस आ रहा है, इस वाले सेटिंग को कर लेने के बाद आपका जो फोन का परफॉर्मेंस है ना गाइस, वो कई ज्यादा इंक्रीज हो जाने वाला। अभी से आपके सामने पीसी प्लेयर हो या फिर हो आईफोन प्लेयर, आप बिल्कुल घबराने वाले नहीं हो, आप बिल्कुल टक्कर का गेम प्ले देने वाले हो। सो नाउ विदाउट एनी लेट खोलते अपना गेम को और बताते हर एक सेटिंग को। सो यहाँ पे सबसे पहले चलते अपना डिस्प्ले सेटिंग पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना आपको ग्राफिक सेटिंग, आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग में बिल्कुल ही अल्ट्रा और मैक्स पे नहीं खेलना है। तो आपको क्यों यहाँ पे अल्ट्रा और मैक्स सेटिंग पे नहीं खेलना है, क्योंकि ग्राफिक को जब आप हाई करोगे तो आपका ग्राफिक तो अच्छा दिखेगा लेकिन आपका जो गेम का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे अल्ट्रा और मैक्स पे नहीं खेलना है, और आपको आपका प्रोसेसर से लोड हटाना, उसको फ्री करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अल्ट्रा और मैक्स पे नहीं खेलना है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड और स्मूथ पे खेलना है। अब यहाँ पे दूसरा चीज देख सकते हो आप लोग, जो कि यहाँ पे है हाई एफपीएस, इसको हमेशा आपको हाई करके रखना है। यहाँ पे जो जो नए बंदे होते हैं उसको समझ में नहीं आता और उसका जो हाई एफपीएस है वो नॉर्मल रहता है, तो उसका जो गेम है लैग करता है, तो गेम में उसको कम एफपीएस मिलता है तो उसको लगता है कि उसका फोन का डिफॉल्ट कोई खराब है, बट ऐसा नहीं होता। आप अगर इसको हाई कर दोगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा और अच्छा खासा एफपीएस में आप गेम प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले का जो सारा सेटिंग था मैंने सारा कुछ बता दिया। अब यहाँ पे चलते कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे डेली शाम को लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, उस लाइव स्ट्रीमिंग आप मेरे साथ खेल सकते हो और गेम्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। बैक टू द पॉइंट, कंट्रोल सेटिंग हम लोग को क्या रखना है। तो कंट्रोल सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट फायर बटन, क्विक वेपन स्विच, ये सारा कुछ जैसे जैसे सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर लो गाइस। वीडियो को स्लो डाउन करके या फिर वीडियो पॉज करके आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना गाइस। यहाँ पे मैं आपको स्लोली स्क्रॉल कर करके दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे जैसे जैसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो गाइस। तो अब यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग के बाद आता है यहाँ पे कस्टम एचयूडी, जो कि आपका गेम प्ले को फास्ट और अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा कस्टम एचयूडी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको आप बताते हैं कौन सा कस्टम एचयूडी आपको कैसा रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कस्टम एचयूडी आप ले सकते हो, आपका स्क्रीन पे जो अभी गेम प्ले चल रहा है वो यही वाला कस्टम एचयूडी का है गाइस। और आप इजिली गेम प्ले देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये वाला कस्टम एचयूडी से आप कैसा गेम प्ले कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा ये वाला कस्टम एचयूडी में आपको प्रैक्टिस करना है, देन आपका जो गेम प्ले है ना गॉड लेवल का हो जाने वाला है। स्टार्टिंग में ये वाला कस्टम एचयूडी के साथ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड देन आपका जो गेम प्ले है ना नेक्स्ट लेवल का हो जाने वाला है। एक अच्छा और फास्ट गेम प्ले होने के लिए जितना ज्यादा जरूरी आपका कस्टम एचयूडी होता है उतना ही ज्यादा जरूरी आपका सेंसिटिविटी सेटिंग होता है। तो अब आपको बताते कि आपको क्या सेंसिटिविटी सेटिंग रखना है जिससे आप नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग को हमेशा आपको 100 करके रखना, कभी भी उसको कम नहीं करना। तो आप यहाँ पे बात करते हैं अपना रेड डॉट के बारे में, तो रेड डॉट कितना पे रखना है। रेड डॉट को आप 95 टू 100 के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेड डॉट को 95 पे रख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं अपना 2x एंड 4x स्कोप के बारे में। तो यहाँ पे ये दोनों को आप 90 टू 95 के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2x को 90 पे कर दे रहा हूँ और 4x को भी यहाँ पे मैं 90 पे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 2x एंड 4x स्कोप के बाद आता है यहाँ पे स्नाइपर स्कोप। मैं जो स्नाइपर स्कोप यूज करता हूँ वो डिपेंड करता है कि गेम का सिचुएशन क्या है।
मतलब कि मैं किस रेंज पे स्नाइपिंग करता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लॉन्ग रेंज पे स्नाइपिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं 50 पे या फिर 50 के आसपास रखता हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट से आप स्नाइपिंग करते हो तो दूर में इतना एनिमी का मूवमेंट नहीं दिखता। ऐसे में आपका जो स्नाइपर स्कोप है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जब भी आप स्नाइपर स्कोप से अच्छा हेडशॉट मार सकते हो। और वहीं जब मैं क्लोज रेंज में स्नाइपिंग करता हूँ तो मैं 100 पे या फिर 100 के आसपास रखता हूँ स्नाइपर स्कोप को, क्योंकि क्लोज रेंज में जब आप फाइट करोगे तो एनिमी का बहुत ज्यादा मूवमेंट रहेगा और तुरंत स्केप करके आपका आगे और पीछे भाग जाएगा। तो ऐसे में इतना ही जल्दी आपको स्नाइपर का स्कोप का एम आपको एनिमी के हेड के आसपास लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको 100 पे कर देता हूँ ताकि इसका मूवमेंट तेज हो पाए स्कोप का और जल्दी जिधर एनिमी स्केप करे उसका हेड के तरफ तुरंत से एम करके उसको हेड मार सकूं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री लुक, जो कि मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप अपने हिसाब से कहीं भी आप इसको रख सकते हो। सो यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग, कस्टम एचयूडी, ये सारा हो गया गेम का सेटिंग। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको डीपीआई सेटिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें बताने वाला हूँ डीपीआई का आपको क्या क्या सेटिंग रखना और मोबाइल का अदर क्या क्या सेटिंग रखना है जिससे आपका गेम प्ले फास्ट हो, आपका एक्यूरेसी बढ़े, ताकि आप बिल्कुल ऑटो हेडशॉट मार पाओ, आप जहां चाहो वहां हेडशॉट मार सकते हो। तो यहाँ पे डीपीआई का सारा सेटिंग और डेवलपर का जो सारा भी सेटिंग होता है यहाँ पे आपको शो होगा। आप देख के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना गाइस। She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, 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 real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, cloud, cloud. Hey, hold up, I got a chip on my shoulder. See this chick gone, know her. She all up in my DM, hold up, hold, hold up, shit. I don't really know you, no, no, but I know your kind. You got a scheme like Ponzo, venom hits fast, you a snake like that.